लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। एलडीए ने अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी जाने पर रोक लगाई थी, जिसको लेकर सपाई आंदोलित हो गए। सुबह से ही पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में जेपीएनआईसी पर सपाइयों का धरना चल रहा था। गेट पर ताला लगा था और भारी फोर्स तैनात थी। इस बीच सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पहुंचे। आपको बता दें कि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर दाखिल हुए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में अनुमति नहीं दी थी। एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था। गेट फांदकर कोई ना जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए और इस बीच मौके पर अखिलेश यादव वहां पहुंचे और गेट फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर चले गए। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया है। आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे, और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी, और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं, जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया, और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की, कि हाँ जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर
इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। समाजवाद के पुरोधा, संपूर्ण क्रांति के महानायक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की आज जन्मदिन था, जयंती थी। और ये जेपी सेंटर हम लोगों ने बनवाया था, यहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति लगवाई थी। आज उस मूर्ति पर अखिलेश यादव और हम लोगों को माल्यार्पण करना था। भाजपा की सरकार ने गेट बंद कर दिया और जेपी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से बलपूर्वक लाठी चार्ज करके हम लोगों को रोका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो गेट लगा हुआ है और हम लोग उस गेट को फांद करके अंदर गए और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का काम किया। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म, तानाशाही और लाठी, पुलिस की गोली से हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर आपातकाल में जेल गए थे और 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। हम देश में लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। भाजपा की सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आज शंखनाद कर दिया है और 2024 के चुनाव तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अब आज से ये आंदोलन शुरू होगा और 2024 में सत्ता के बदलने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये जयप्रकाश नारायण सेंटर जो है, ये भाजपा की सरकार अडानी के हाथ बेचने का काम कर रही है। जैसे उन्होंने लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, वैसे ही जेपी सेंटर और पूरा देश बेचने की तैयारी है। इसके खिलाफ हम लोग जनता को जागरूक करेंगे और 2024 में सत्ता में परिवर्तन होना तय हो गया है। सर, लगातार इंडिया गठबंधन पर पार्टियों पर लगातार छापेमारी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? चाहे कितनी भाजपा की सरकार दमन कर ले, उनके साथ CBI, इनकम टैक्स और ED का गठबंधन है, हमारे साथ जनता है। चाहे कितना दमन कर लें, जनता परिवर्तन करेगी और 2024 में सत्ता में बदलाव होगा, 2024 में इंकलाब होगा और इंडिया की सरकार केंद्र के अंदर बनना तय हो गया है। जनता का मन बन गया है, जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और हर मुद्दे पर भाजपा की सरकार फेल हो गई है। अब वो दमन और जुल्म से हमारी आवाज़ दबाना चाहती है, पुलिस की लाठियों से। गेट को बंद कर सकते हो, लेकिन जनता जो निकलेगी तो परिवर्तन तय होगा। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।